हेलो, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं बलवंत मेहता बोल रहा हूँ। मेरे को संजीवन फाउंडेशन विरार में है, बोलिंच में। उसका ओनर है धर्मेश सेठ, रिहैब सेंटर है। मेरे घर वाले ने मुझे वहाँ पे भेजा था ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि मेरे को शराब की, दारू की लत हो गई थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद ट्रीटमेंट जैसा कुछ हुआ ही नहीं मेरे को, और मेरे को एक साल तक अंदर रखा। और धर्मेश और राकेश, संजीवन फाउंडेशन में जो ओनर है दोनों, राकेश और धर्मेश, और उसका जो वहाँ पे हैंडलिंग करता है वो शेखर है, शेखर जगताप करके, वो हम लोग को इतना टॉर्चर कर रहा था, इतना टॉर्चर कर रहा था। और ये भी बोल रहा था कि चलो तुम लोग तो सुधरने वाले नहीं हो, लेकिन हम लोग का फायदा ही है। तुम लोग आओगे यहाँ, जाने के बाद हम लोग कुछ करेंगे तो तुम लोग बाहर जाके वापस पियोगे, वापस आओगे, हम लोग का धंधा चलने वाला है। और मेन जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट रहते हैं, जहाँ पे उन लोग को डिस्चार्ज मिल जाता है, जो हाथ पैर नहीं करते, उन लोग को लेके वहाँ पे ओल्ड एज होम करके चलाते हैं। तो हम लोग के पास उसका संडास, मूत, गू सब साफ करने के लिए बोलते हैं। अगर नहीं करेंगे तो उन लोग हम लोग को बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं, टेर्चर करते हैं, टॉर्चर करते हैं, बहुत मारते हैं। मारने के लिए तो कुछ इंजेक्शन वगैरह देते हैं, दो दिन आदमी बेहोश रह जाता है। बहुत प्रॉब्लम है उन लोग का। और ये काय का रिहैब सेंटर है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। आदमी नहीं, अरे मैं एक साल भाई निकाला, कैसा निकाला मेरा दिल जानता है। और एक साल के अंदर मेरे को दो बार भी मेरे को घर वाले से मिलने को नहीं दिया। दिवाली के दिन मेरा लड़का आया तो लड़के को मिलने को नहीं दिया, वो बाहर से बेचारा देखिए निकल गया। मैं देख रहा हूँ उसको, मैं बोला मेरे को मिलने को दो, बोलता है नहीं मिलने का नहीं है। जब मैं वहाँ से छूटा, घर पे आया, तो मेरे को बोलते थे उन लोग मिलने को ना, बोलते थे, बोलता है मिलोगे तो ये उसका दिमाग उधर जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम बहुत बहुत फेस कर रहे हैं इन लोग, बहुत परेशान कर रहे हैं। ये रिहैब सेंटर नहीं है, ये धंधा है, वो गंदा धंधा है, जेल से भी गंदा धंधा है। काहे का कौन से हिसाब से उन लोग रिहैब सेंटर चलाते हैं मेरे को बताओ। ये धर्मेश खुद एडिक्ट था, उसके बाप ने उसको खुद को घर से निकाला हुआ है। वो हम लोग को क्यों इतना परेशान कर रहा है, 60-70 आदमी को इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि बात मत करो, मारता है। वो शेखर जगता भेंचो तो साला मुँह से मेरा गाली निकल रहा है, गाली नहीं बोलना चाहिए मेरे को, अच्छा नहीं लगता है गाली निकलने का। इतना गंदा गंदा गाली देता है माँ बहन के सामने, बोलता है भेंचो तुम लोग ने, क्लियर बोलता हूँ, ऐसा बोलता है कि तुम्हारी माँ बहन को धंधे पे लगाएंगे हम लोग मादर से। इतना हलकट आदमी है वो साला, इतना गंदा आदमी है वो। और मैं तो खड़ा रहने वाला हूँ, मेरे को करने का ही है उसके पर। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि दूसरे को मत परेशान किया करो यार, इस तरह से मत परेशान किया। नहीं आपको नहीं यार ट्रीटमेंट नहीं देनी आती है तो मत करो ना ट्रीटमेंट, लेकिन मार दौड़ के क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो मार दौड़ के? इतना बेरहमी से मारते हैं, गाली देते हैं, गंदी गंदी गाली साले, इतनी गंदी गाली देते हैं ना कि मैं अभी बोल भी नहीं सकता हूँ कि कौन सी गाली देते हैं उन लोग। और बेहिसाब मारते हैं उन लोग। वहाँ से निकलने के बाद मेरे साथ में दो भाई थे, वो निकलने के बाद उन लोग ने मर्डर किया बाहर जाके। एक आदमी, तीन आदमी ने मर्डर किया बाहर जाके। इतना दिमाग ख़राब रहता है उनका, क्योंकि वो आदमी इतना परेशान हो जाता है ना वहाँ पे जाके, जाने के बाद उल्टा बाहर रहता तो कुछ सुधरता तो सही था, लेकिन बहुत हरामी है ये लोग। और मैं आने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ। बस अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, बहुत परेशान करते हैं उन, करने का है इन लोग को भाई। ये जो हराम का धंधा चला के बैठे हैं ना, अरे इससे अच्छा तो वो साला कसाई तो है, बकरा मार के तो काट देता है। एक बार तो बोलता है, मालूम है कि कसाई के पास जाने काटने वाला है, ये साला ना जीने देता है ना मरने देता है। अब एक बार रिहैब में जाने के बाद बाहर आदमी आके ना सुकून से रह पाता है ना जी पाता है। काय का रिहैब है ये, कौन से हिसाब से रिहैब चला रहा है, क्या रिहैब में है क्या, मेरे को बताओ ना।
रिहेब सेंटर जैसा कुछ है क्या? संडा स्मूथ गो, ओ जो पेशेंट किसको नहीं रखते घर वाले, वो पेशेंट को ले लेके हमारे पास से काम करवाता है, उसके घर वाले से डबल पैसा लेते, उसको बोलते 12,000 रुपया उसका और हम लोग ने आदमी रखा है, आदमी मतलब हम लोग, हमारे घर वाले से भी पैसा लेता है, उसके घर वाले से भी पैसा लेता है, डबल 3-3 गुना पैसा लेता है वो। आज भी मेरे को मालूम है ना, आज तक भी वही कंडीशन है, कोई सुधरने वाला नहीं, उन लोग नहीं रहेंगे। मैं खुद जाने वाला हूँ ह्यूमन राइट के पास, जाने वाला हूँ और करने का ही है मेरे को। अगर हो सके तो आप भी करो भाई प्लीज़।